हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लीना आप सबका स्वागत करती हूँ दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विथ लीना में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो डालती रहती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपके डे टू डे लाइफ में आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें रोज़ सुबह कुछ ना कुछ नाश्ता लेते हैं, लेकिन अगर हम नाश्ते में कुछ ग्रीन वेजीज या कुछ फ्रूट्स ऐड करें तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैंने देखा कि अभी समर का सीज़न चल रहा है तो समर में काफ़ी सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं और उन्हीं फ्रूट्स में से मैं कुछ फ्रूट्स आज शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मेरे घर पर। और जैसा कि आप सबका पता है अभी समर चल रहा है तो बहुत सारे कॉमन फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि पपाया हुआ, ग्रेप्स हुआ, वाटरमेलन, मैंगो और एप्पल्स, ये सारे कॉमन फ्रूट्स हैं जो अभी समर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी समर चल रहा है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए मतलब ऐसा होता है ना, गर्मी में आपको बहुत हाइड्रेटेड रहना होता है और ऐसा खाना और पीना चाहिए जो मतलब आपको हाइड्रेटेड रखे। और जैसा कि आद्या के पापा दिन भर बाहर रहते हैं, उनका काम बाहर ही होता है तो पूरा दिन भर बाहर रहते हैं, तो इसीलिए ना ऐसा होता है कि कभी कभी ना वो एकदम रात को आते हैं तो पूरा एकदम डिहाइड्रेटेड, एकदम लेजी फील, सर चक्कर आना, ये सब मतलब डिहाइड्रेशन के साइन है। तो इसके लिए ना हमें वो जितना टाइम घर में रहता है या फिर सुबह सुबह घर से निकलते ही ऐसा खाना चाहिए जो कि एकदम हाइड्रेशन जैसा आपको फील दे, मतलब आपको पूरा दिन हाइड्रेटेड रखे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। समर्स में वाटरमेलन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है जो कि हमें बहुत हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि वाटरमेलन में 90% वाटर रहता है और ये हमारे हार्ट के हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ग्रेप्स भी वही करीब करीब सेम करता है जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करता है, बोन हेल्थ को मेंटेन करता है और इम्यून सिस्टम और कैंसर को प्रिवेंट तो करता ही है। और पपाया जो कि मेरे घर पे ही मिल जाता है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, स्किन टोन लाइट करता है एंड ग्रेट फॉर डायबिटीज़। और अब बारी आती है मैंगो की जो कि समर में बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि हेल्प्स टू फाइट कैंसर, मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये स्किन को क्लींस करता है, रेगुलेटिंग डायबिटीज़, हेल्प्स टू लूज वेट, बेनिफिट फॉर हेल्दी आइज़। और हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो इनमें एप्पल को कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इम्प्रूव्स डाइजेशन और हेल्दी इम्यून सिस्टम, डायबिटीज़ फ्रेंडली फ्रूट एंड कैंसर प्रिवेंटिंग फूड, इसे हम नहीं भूल सकते। ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ख़ास करके समर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये रही हमारे घर के एक खास मेंबर जो हमेशा हमारे खाने के साथ हमारे साथ बैठ के खाती है, इसका नाम पर्ली है और ये हमेशा हमारे साथ एंजॉय करती है। सुबह का ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद आद्या के पापा अभी अपने काम पे निकल गए हैं और मैं घर में अभी छोटा मोटा जो मेरा रह जाता है काम वही कर रही हूँ, मानो जैसे कि ये रहा लॉन्ड्री का काम हुआ, कपड़े सुखाने का काम हुआ, ये सब काम में घर पे मेरा दिन भर का काम चलता रहता है। अभी मैं कपड़े सुखा के वापस आ जाऊंगी। कपड़े सुखाने के बाद जो पिछले दिनों के सारे कपड़े पड़े रहते हैं मैं कभी कभी फोल्ड करना भूल जाती हूँ, तो उसके बाद जो सारे कपड़े हैं या फिर घर में इधर उधर जो सारे कपड़े पड़े रहते हैं मैं उन सबको फोल्ड करती रहती हूँ।
मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY जो कि एक पुराने साड़ी से मैं बनाने वाली हूँ एक सोफ़े का कवर। सोफ़े का कवर मतलब आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई लिखा नहीं है कि सोफ़े का कवर हो या फिर फ्रिज का कवर हो। ऐसा ही टाइप मैंने कुछ बनाया था, बस बैठे बैठे मेरा मन किया कि मैं कुछ बनाऊँ तो मैंने बनाया। ये देखिए मेरे पास एक 1 mm पतली सीट फोम की है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मेरे इसी DIY के लिए ही मंगवाया था। और ये मेरी एक पुरानी साड़ी है जिसको मैं इस फोम के साइज़ में पीस पीस में कट कर लूँगी। मैंने सारी पीसेस अपने सोफ़े के हिसाब से ही मेज़र करके कट किया हुआ है, मुझे करीब 4-4 8 पीस चाहिए है और मैंने टोटल एक साड़ी एक पीस से ना 3-3 पीस निकलते हैं तो मेरे पास पूरे 9 पीसेस के कपड़े आए, लेकिन मुझे 8 पीस ही चाहिए तो मैं 8 पीस ही कट कर रही हूँ। Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? मैंने उसी फोम सीट के साइज़ के हिसाब से माप माप के करीब 9 सीटें काटी हैं इन साड़ियों की और अब मैं इसे मेज़र करके रख लूँगी और ना एक एक सीट को मैं सोफ़े के साथ सोफ़े के ऊपर डाल के मैं मेज़र करूँगी कि मुझे कितना चाहिए और कितना रहेगा, मुझे पूरा मेज़रमेंट होगा कि नहीं। और ये देखिए मेरे पास 9 सीट आ गई हैं और इन सबको ना मैं फोम में डाल के एकदम हाथ से एक एक टाका लगा लूँगी ताकि ये ना एकदम से फिसले नहीं। ये देखिए मैं सारी सीटें को अभी सोफ़े में डाल के सबको मेज़र कर लूँगी मुझे कितना चाहिए कितना नहीं, मैं दो साइड पे कितना रखने से मेरा हो जाएगा। ऊपर के पार्ट में 3-3 6 पीस और जो 2 पीस रह जाएंगे वो दोनों साइड के लिए हो जाएंगे, मतलब दोनों साइड में अंदर में डालने के लिए वो 2 पीस रह जाएंगे तो मैं मुझे एकदम 4-4 पीस 8 पीस ही चाहिए होगा। और अभी मैं इन सब को सिलने के लिए ले आई हूँ, मैं इस कपड़ों को ना इस फोम के सीट के साथ एक एक टाका लगा के सिल दूँगी हाथ से, उसके बाद मैं मशीन में सिलाई करूँगी। ये देखिए इसमें ना जैसे टाका लगाते हैं या फिर कांथा जो सिलाई होता है उसी के जैसा टाका मैं लगाते चली जाऊँगी। एक एक करके टाँका को सिलाई देने के बाद नीचे के साइड में हम लोग एक कॉटन का लाइनिंग कपड़ा लेंगे और उसे अच्छी तरह से सिलाई कर देंगे। वैसे मैं ये आपको वॉइस ओवर कर दे रही हूँ क्योंकि इसके आगे मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई क्योंकि ना मेरा फ़ोन एकदम मेमोरी जाम हो गया और आगे से कुछ शूट ही नहीं हो पाया, मतलब मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हुआ तो मैं इधर तक ही दिखा पा रही हूँ और मशीन में मैं कुछ दिखाई नहीं पा रही हूँ, मतलब लाइनिंग की सिलाई वगैरह ये सब मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन जाम हो गया और मेरा कैमरा एकदम ऑन नहीं हुआ। हाँ लेकिन मैं फाइनल आउटपुट ज़रूर दिखाऊंगी, जो मैंने कैमरे में मेरा इतना तक ही रिकॉर्ड हुआ था, इसके बाद मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हाँ मेरे फाइनल दिखा दे रही हूँ, ये रहा मेरा फाइनल जो मैंने सोफ़ा पे डाला है, ये ऐसा कुछ बना है। हाँ कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं बना है लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छा बना है और इसे मैं सोफ़े में डाल सकती हूँ, कोई ओकेज़न वगैरह हुआ उस टाइम में मैं सोफ़े पर डाल सकती हूँ या फिर मैं अपने फ्रिज टॉप पर भी डाल के उसे डेकोरेट कर पाऊँगी। और फिर किसी दिन मैं ये इसे सजाने वाला वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मेरे
मेरा वो जो मैट जैसा बनाई थी सोफ़ा कवर हुआ, या फिर आप फ्रिज टॉप का मैट भी बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छा बना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।